देख रहे हैं हिंद 24 टीवी खबर पल पल की। पत्रकार एकता संघ में पत्रकार सुरक्षा कानून के तत्वाधान में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन, जिलाधिकारी जौनपुर को ज्ञापन सौंपे। पत्रकार एकता संघ के वाराणसी मंडल अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार शर्मा व वाराणसी मंडल मीडिया प्रभारी शिवम सिंह एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद के नेतृत्व में पत्रकार सुरक्षा कानून लाए जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी जी उत्तर प्रदेश के जरिए जिलाधिकारी जौनपुर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। अवगत कराना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पत्रकार सुरक्षा कानून को पत्रकारों के लिए अवश्य लाएं, क्योंकि आए दिन हमारे पत्रकार भाई निष्पक्ष कवरेज करने जाते हैं खबर तो असुरक्षित महसूस करते हैं। आज समाज में पत्रकारों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि यदि पत्रकार कोई निष्पक्ष खबर कवरेज करता है तो उसके ऊपर गोली मारने की और धमकी देने की आफत आ जाती है। इस मुद्दे पर पत्रकार एकता संघ की कुछ सीमित सूत्रें मांगे हैं जो इस प्रकार हैं। पत्रकार एकता संघ मांग करता है कि अंकित कुमार पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम भगैतापुर थाना बिलग्राम हरदोई लाइव न्यूज के में कार्यरत हैं, जिनको प्रधानपति द्वारा प्रताड़ित करने के खिलाफ मुकदमा करने के लिए जेल भेज दिया जाए। संघ मांग करता है कि प्रधानपति विपिन यादव पुत्र अमरनाथ यादव निवासी भगौतापुर कर रहा था कि अवैध मिट्टी खनन कवरेज के दौरान की अभद्रता जान से मारने की धमकी दी गई, अवैध खनन की भी कार्रवाई की जाए। संघ मांग करता है कि भगैतापुर में बनी गौशाला में 50 गाय प्रधानपति द्वारा की गई लापरवाही से मार दी गई, कवरेज के दौरान कर चुका अभद्रता अब पूरी तरह से कार्रवाई की जाए, तत्काल कार्रवाई इस पर लिया जाए। संघ मांग करता है कि डॉक्टर अवनीश कुमार पत्रकार निवासी शाहबाद के लोनार क्षेत्र के चिमरा में कवरेज के दौरान की गई अभद्रता अब तक पुलिस द्वारा नहीं हुई कोई भी कार्रवाई, दबंगों को जेल भेज दिया जाए। संघ ये भी मांग करता है कि थाना लोनार के अंतर्गत सहकारी समिति में डीएपी की कालाबाजारी की कवरेज के दौरान सचिव के दलाल महेश पुत्र जयचंद्र अटल कुमार पुत्र आसाराम निवासी चिमना ने किया था गाली गलौज और जान से मारने की दी थी धमकी, मुकदमा लिखकर जेल भेजा जाए। संघ मांग करता है कि 1200 की डीएपी 1500 में ब्लैक की गई, कवरेज के दौरान पत्रकार पर अभद्रता की गई लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया, जिसके लिए उसको भी जेल भेजा जाए। पत्रकार एकता संघ ये भी मांग करता है कि थाना बिलग्राम थाना लोनार क्षेत्र के कई गए अभद्रता की जाने वाली जान से मारने की दी जाने वाली धमकी पुलिस अधीक्षक को अवगत कराने के बाद भी अभी तक पुलिस ने कोई मुकदमा नहीं किया है, इस पर भी तत्काल कार्रवाई की जाए। पत्रकार एकता संघ ये भी मांग करता है कि पीड़ित पत्रकारों को न्याय दिया जाए, आरोपियों को जल्द से जल्द जेल भेजा जाए। संघ मांग करता है कि पत्रकारों पर अत्याचार, उत्पीड़न, अभद्रता, फर्ज मुकदमा लिखने वाले अधिकारी कर्मचारी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। संघ मांग करता है कि पत्रकारों को बच्चों को निःशुल्क उच्च शिक्षा, टोल टैक्स फ्री, बस का किराया माफ किया जाए। संघ मांग करता है कि पत्रकारों को कुछ न कुछ मानदेय निर्धारित किया जाए, उनका बीमा कम से कम 50 लाख रुपए तक का कराया जाए जो पत्रकारों के साथ ही सूचना विभाग में दर्ज हो। संघ मांग करता है कि अगर दबंगों आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो विधानसभा के सामने करेंगे धरना प्रदर्शन, पत्रकारों को जल्द से जल्द न्याय देने का कार्य किया जाए। संघ ये भी कहता है कि पूर्व में जिला बिजनौर के थाना सेवहारा के अंतर्गत इमरान उस्मानी पर लिखा गया मुकदमा ज्ञापन के तहत कार्रवाई तो हुई लेकिन एसपी की मिली भगत से लिखा गया था, मुकदमा अभी तक नहीं हुआ, खत्म मुकदमे को खत्म किया जाए, करने का कार्य किया जाए, दोषियों पर कार्रवाई की जाए। इस मौके पर वाराणसी मंडल अध्यक्ष सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि पत्रकार संघ एकता का संघ है और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री के डी सर के निर्देशानुसार यह पत्रकार सुरक्षा कानून पत्रकारों के हित के लिए बनाया जाना चाहिए। जो बेड़ा हमारे संघ ने उठाया है उसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आज समाज को पत्रकारों के प्रति अमानवीय कृत्यों की अति भत्मरघना करता हूँ। इसी के साथ वाराणसी मंडल मीडिया प्रभारी शिवम सिंह एडवोकेट हाईकोर्ट इलाहाबाद ने कहा कि पत्रकारों पर हो रहे उत्पीड़न तथा अमानवीय व्यवहार, झूठे मुकदमे में फंसाना आजकल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पत्रकारिता करने में भी भय लगता है। पत्रकार अब किसी भी खबर को निर्भय रूप से कवर नहीं कर पाते हैं। जो आज स्थिति इतनी भयावह है कि उसके ऊपर कभी भी कोई FIR कर देता है तो कभी कोई गोली मारने की धमकी देता है या कोई भी निंदनीय घटना शुरू हो जाती है।
इस भय को तभी दूर किया जा सकता है जब पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाएगा। मैं शासन से निवेदन करता हूँ कि हमारी मांगों को स्वीकृत किया जाए, जिससे हम सभी पत्रकार साथी सुरक्षित होकर, भयमुक्त होकर निष्पक्ष खबरों को कवर कर सकें और प्रकाशन और प्रसारण भी कर सकें। जौनपुर से शैलेश कुमार की रिपोर्ट। क्या कुछ मामला है, किस मामले को लेकर आप लोग यहाँ आए थे? आज मैं यहाँ पे आया था, मेरा नाम शिवम सिंह है जी, वाराणसी मंडल मीडिया प्रभारी पत्रकारिता संघ जी, जिसमें पत्रकारों के ऊपर हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न सारे मामलों को लेकर मैं सोच रहा हूँ कि पत्रकार सुरक्षा कानून जी लाया जाए जी, और जिसकी मांग हम सारे पत्रकार जी मिलके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कर रहे हैं जी, योगी जी से, और योगी जी इस बात को समझें कि पत्रकार बिना किसी दबाव के निश्चल भाव से कार्य करता है, बिना किसी दबाव के जो भी उचित सही न्याय है उसको समाज में लाने की कोशिश करता है, और ऐसा करने में हमारे बहुत भूमाफिया, बड़े बड़े नेता, गुंडा, इस टाइप के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं दबाव देते हैं कि उनके अभद्र कार्य, अवैध कानून और अवैध कार्य, ये सारे का उजागर हम पत्रकार भाई न करें, इसके लिए वो हमको दबाने की कोशिश करते हैं। हमारे कुछ जो अधिकारी लोग हैं कहीं ना कहीं वो भी हमें दबाने का कार्य करते हैं। इन सारे गलत कामों से निजात पाने के लिए, गैर कानूनी कार्यों से निजात पाने के लिए हम ये चाहेंगे कि पत्रकार सुरक्षा कानून, जो कि हम लोगों ने एक विज्ञप्ति बना के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, जनपद जौनपुर के जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भिजवाया है जी आज की तारीख में, और इसको माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो इस कानून सुरक्षा को लागू करें, जिससे हम सभी लोग को अंडर कवर्ड फील। थैंक यू। आपका परिचय? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे इस समाचार को जो है आप हमें दिखाने का मौका दे रहे हैं। मैं पत्रकार एकता संघ से वाराणसी मंडल अध्यक्ष सुरेश कुमार शर्मा, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हमारे केडी सर ने के निर्देशानुसार आज हमारे पूरे प्रदेश में, पूरे जनपद में जो पत्रकारों के ऊपर आए दिन उत्पीड़न हो रहा है, आज हमारी संगठन पूरे भारत में आज ज्ञापन देने का निर्णय लिया है, और आज बहुत ही विचित्र घटना हुई है